ये देख, हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। सर, बतौर मुख्यमंत्री आपने पहली मर्तबा वोट डाला, जरा हमारे दर्शकों को, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाइए। सर ये देखिए, डॉक्टर मोहन यादव अपना वोट डाल के आए। सर एक दूसरी बात और पूछूंगी, ये गदा जो रखी है, या आप यहाँ आए तो ये गदा मतलब क्यों है, गदा क्यों? देखिए, धार्मिक नगरी है और मैं अपने देवी देवताओं को सबको प्रणाम भी करता हूँ। आज भी पूजा के बाद ही मैं दर्शन करने के बाद अपना वोट डालने गया था, तो हनुमान जी को गदा बहुत प्रसिद्ध है, पसंद भी होती है। मल्ल युद्ध के बाद गदा युद्ध एक हमारी देश की पुरानी परंपरा है, तो गदा भेंट करने का एक अपने मन में भाव है। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी हनुमान भक्त हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इस बार हनुमान जी की कृपा जरा ज्यादा ही मिलने वाली है, तो 400 पार हो जाएगी। सर आपने 150 रैलियां की, लगभग 140, 50 आपने रोड शो किए, 25 जगह आपने जाके नामांकन भरवाए 29 में मध्य प्रदेश में, क्या लगता है आपको मुद्दा क्या है? हर जगह एक ही वातावरण है, मोदीमय पूरा देश है, मोदीमय प्रदेश है। मुझे जहाँ भी ध्यान में आया कि केवल भाजपा का माहौल बना हुआ है और जनता दिलो जान से भाजपा को चाहती है। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, तो कह रहे हैं कि वो तानाशाही से देश को बचाना है। देखिए, केजरीवाल जी की बात को दुनिया जान चुकी है, अब उन पर कोई भरोसा नहीं करता है। केजरीवाल जी को बहुत हल्के से लेते हैं, और बेहतर होगा केजरीवाल जी पहले अपने संगठन को समझे, आने वाली विपत्ति और आपत्ति के बारे में समझ ले। ये कांग्रेस और केजरीवाल जिस लाइन में खड़े हैं, अब ये मान के चलो जनता की नजरों से बहुत नीचे गिरे। एक आखिरी सवाल सर, जो पीएम मोदी के बारे में वो कहते हैं कि 75 साल का फॉर्मूला चलेगा और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह को बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। मेरे को मालूम नहीं कि भाजपा में कब से केजरीवाल आ गए और भाजपा के अंदर की बातें वो बता रहे हैं। पहले भाजपा के अंदर आवेदन करे, पार्टी विचार करेगी, तब जाके वो भाजपा पर टिप्पणी करे, बेहतर होगा वो अपने दल की बात कर ले, वही ठीक है। ये है डॉक्टर मोहन यादव जो अरविंद केजरीवाल को सीधी समझाइश दे रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, कि बेहतर है कि वो अपनी पार्टी की बातें करें।